Uh, ladies and gentlemen, we are also privileged to have with us Shri Advaita Gadnairik, Director General of the National Gallery of Modern Art under the Ministry of Culture, sculptor extraordinaire known to infuse life into stones. Uh, well, I'll request him to address the gathering now. Jay Jagannath, sabko Pranam. Adiranya Krishna ji, Mantri Tourism and Culture. Sanjay Janaji. पीपी खाना जी जेके जी, मु छोटिया कथाटे कहबी एक्चुअली माँ रे मुझे गाँव को तो आसती मोर ग्रांड मदर सर मैं ओडिया में बोल रहा हूँ एक्चुअली जब गांव में एक्चुअली मेरा ग्रांड मदर पाँव से सिर तक पहले छू लेती थी उससे उसको पता हो रहा था मैंने गलत किया कि अच्छा किया वो जो सेन से ना गांव से शहर तक उसको फील कर सकते हैं इसलिए आर्टिस्ट गांव में अगर लड़की का भी शादी होता था वो गांव का शादी होता था और महीने दो महीना चलता था और उसमें कोई कारीगर मिट्टी में बना के कोई लकड़ी में बना के कोई कपड़ा में बना के सब लोग लड़की के लिए लाते थे लड़की वाला उनके लिए राइस उनके लिए कपड़ा एक एक रिलेशन जो कि जो एसेंस वो गांव से इतना पावरफुल था अभी भी मैं जब गांव जाता हूँ ये सारी चीज़ ख़त्म हो चुका है और छोटे आर्टिस्ट का मेन दायित्व तो होता था कि एक एक एटमोसफेयर क्रिएट करना वो गांव में भी एटमोसफेयर क्रिएट करता था और साथ साथ एक मोनूमेंट जब राजा महाराजा होते थे भाई कुछ बनाओ कुछ करो और उसका देखभाल करना और उसका साथ एक रिलेशन एक पूरा इतिहास होता है जो स्टोन कार्विंग हम लोग करते हैं वो पत्थर में एक अभी एक चिजल का दाग भी हजारों हजारों साल पहले से एक हिस्ट्री तैयार करके गए उसको किस तरीका हम लोग प्रेजेंट करते हैं और उसका साथ जो रिलेशन है हम तो पत्थर का साथ काम करते हैं पत्थर के साथ मेल फीमेल स्टोन का भी बात करते हैं और फीमेल स्टोन में मेल स्टैचू बनाते हैं एक सिस्टम की कनेक्ट हमारा जो टेक्सटाइल इतना रिच आप सोचिए संबलपुर का बात करते हैं तो वहाँ पर वो रिवर का साथ मछली का आप देखेंगे साड़ी में भी मछली आता है उस एक सिस्टम जो आर्ट नेचर और जो हमारा आर्ट हमारा जो सोसाइटी सब लोग हम मर्ज होकर काम करते थे अभी हम लोग बहुत ही इंडिविजुअल हो गए शहर तक मैं देख रहा हूँ किसको कोई जानता नहीं है कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली टूरिज्म दूसरे स्टेट में क्या हो रहे हैं हमको कुछ भी पता नहीं है अभी जो अमृत महोत्सव हुआ हम करीब छ सौ आर्टिस्ट को बुलाए देश भर के सब आर्टिस्ट कोई आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हमने साथ खाए साथ डांस किए साथ गाना गाए साथ पेंटिंग किए वो उसको पता हो रहा था भाई यहाँ पर उसका गांव में कौन अनसन हीरो है वो भी मेरे को बता रहा था कि मेरा गांव में मेरा शहर में उसका हिस्ट्री वो खुद तैयार करके आते हैं और अपना स्टाइल में उसको काम करते हैं कोई माधुमहनी में काम करता है कोई पोटो में काम करता है कोई कांगरा पेंटिंग में काम करता है कोई मतलब जो अपना अपना स्टाइल है लेके और उसी चीज़ को अपना मतलब इतना डेप उसको लगता है कि मेरा हीरो है उसको फील करता था और उसको जो प्रेजेंट करता था वो उसका बारे में स्टोरी बनाता था उसका बारे में गाना भी बनाता था पूरा इतिहास तैयार कर रहा था वो रिलेशन का जो सिस्टम है वो आर्टिस्ट का पास था अभी आर्टिस्ट हम लोग को भी जातिवाद हो गए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट उसको ब्राह्मीण कास्ट बोलते हैं इंडिजिनस आर्टिस्ट उसको हमने क्राफ्ट भी बताया कि ये लोग का दिमाग में कुछ नहीं है तो अभी हाई टाइम हो गया कि दोनों को हम कैसे मर्ज करें हमारी धरोहर को ये लोग ही जीवित करके रखे हजारों हजारों साल से और उनको अभी हम क्राफ्ट बोल दिए वो अलग हम लोग जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हम लोग अलग हो गए और जो बात भी करते हैं ज़्यादातर एक आ, अभी हमने एक ऑस्ट्रेलिया से शो किए थे जो कि आवर्जी आर्ट को लेके किस तरीका वो अपना चीज को बताते हैं कि वो उसका उसका रिचनेस कैसा है उसका सिस्टम कैसा है एक भी लाइन भी बताता है ना हमारे भी कोरापुट में देखिए कहाँ भी वो उनको पता होता है घर का अंदर में कौन सा ड्राइंग होगा घर का बाहर में कौन सा ड्राइंग होगा उसका एयर मूवमेंट कैसे होगा एक सिस्टम हमेशा हम सोसाइट का साथ थे और सोसाइट सोसाइट को हजारों साल का बाद क्या होगा उसका बारे में सोचते थे वो आज का नहीं है अभी हम अजंता एलोरा का बात करते हैं कि कोणार्क का बात करते हैं अभी तो लगता है एलियाना के बना हमने नहीं बनाया वहाँ तक हम गिर गए अब डिस्कवरी चैनल में बताते हैं कि अजंता एलोरा एलियाना ही बनाया हमने नहीं बनाया तो हमारी जो सोच था दो तो वे ऑफ इमेजीनरिंग कितना भाष था और किसी लेवल में हम लोग सोचते थे और अब हम क्या कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक कनेक्शन सोसाइटी का साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है वो कनेक्शन जिस तरीका मेरा ग्रांड मदर का बात कर रहा हूँ ना उस तरीका कनेक्शन आर्टिफिशियल नहीं है हम जंगल में बात करते हैं एजुकेशन तो पहले जंगल में होता था ना वो राजा घर का बेटा हो भी उसको बोले पढ़ाई बढ़ाई करना है बेटे तर को जंगल जाना पड़ेगा वो चाहे तो अपना इतना बड़ा पैलेस है वहाँ भी एक स्कूल बना सकते हैं लेकिन वो जो हमारे पास इतना रिसोर्स जो नेचर है वहां से आप बात करेंगे ना आपको लगेगा कि बात यहां जा रहे हैं आप उसको फील कर सकते जब तक आप फील नहीं करते हैं वो आर्टिफिशियल दुनिया में हम रहते हैं तो वो रिजल्ट लाना मुश्किल है तो हम सीरियसली उसके बारे में सोचना चाहिए कैसे हम डेप तक रूट तक जाए और उसको ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हम प्रेजेंट करें उसको एग्जैक्ट आप बताएंगे तो नहीं होगा उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है और हमारी ओडिशा में ये सारी चीज़ भरपूर है और उसको थोड़ा सा बात साफ सुथरा करके हमको प्रेजेंट करना और उसके लिए एक्चुअली हम मंत्री जी हमारा एक्चुअली शुरू किए थे बैंगलोर में हम लोग वहाँ पर भी थे वो छोटे छोटे बात को लेके वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी बोलते इंडिजिनस टॉय छोटे छोटे चीज़ को लेके अगर छोटे छोटे जगह से हम शुरू करते हैं जैसे खेलो इंडिया बनाएं आप लोग इस बार बड़े बड़े प्राइज मिलाए इस तरीके हमको टूरिज्म इंडिया बनाना पड़ेगा पूरा गांव से शहर तक लाना पड़ेगा तो शहर से फिर विदेश तक हम पहुंचा सकते तो एक सिस्टम अगर हम तैयार करेंगे तो नीचे से अगर शुरू करेंगे वो पूरा विश्व में जो विश्वगुरु बनने का हमारा स्वप्न है वहाँ तक हम पहुँच सकते सबको धन्यवाद